फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल केक शेक रेसिपी। आज हम बनाएंगे छोले भटूरे। छोले बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना होंगे छोले, 5-6 मीडियम साइज की प्याज, रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, छोले मसाला, 3 मीडियम साइज टमाटो की प्यूरी, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कस्तूरी मेथी। भटूरे बनाने के लिए हमने लिया है 1 किलो मैदा, 1 कटोरी दही, 1 कटोरी ऑयल, 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 2 चम्मच पीसी हुई शुगर, स्वाद अनुसार नमक। सबसे पहले हम भटूरे का आटा गूंद लेंगे। भटूरे के आटे गूंदने के लिए हमें चाहिए 1 किलो मैदा। 1 किलो मैदे में डालेंगे हम नमक। नमक के बाद हम डालेंगे 2 चम्मच पीसी हुई शक्कर, बेकिंग सोडा 1/2 चम्मच, ऑयल 1 कटोरी, 1 कटोरी दही, पहले हम इसे दही में गूंद लेंगे, बाद में जरूरत पड़ने पर पानी मिलाएंगे। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा पानी कर डाल के गूंद लेंगे। हमने इस आटे को सॉफ्ट गूंद लिया है। अभी हम इसे 2 घंटे ढक कर गर्म जगह पर रख देंगे। 2 घंटे तक हमने भटूरे का आटा सेट होने तक रख दिया है, जब तक हम छोले बना लेंगे। छोले बनाने के लिए हम कढ़ाई में तेल डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अभी हम इसमें प्याज डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई करते वक्त हम थोड़ा नमक डालेंगे। नमक डालने से प्याज जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाती है। हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अभी हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए हमारी प्याज, अभी हम इसे मिक्सर में पीस लेंगे। देखिए हमने प्याज को इस तरीके से पीस लिया है। हमने गैस पर कुकर रख दिया है, उसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल लेंगे। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अदरक लहसुन डालेंगे 1 चम्मच, इसे अच्छा भून लेंगे। अभी हम डालेंगे 3 टमाटो की प्यूरी, इसको अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे छोले मसाला, इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अभी हम इसमें जो प्याज पीस कर रखी थी वो मिला लेंगे। अभी हम डालेंगे थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, 1 चम्मच हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा पानी डालकर मसाले को पकने देंगे। अब हम इस मसाले को 5 मिनट ढककर पकाएंगे। हमें इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है। ये देखिए 5 मिनट बाद हमारा मसाला कितना अच्छा दिख रहा है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसमें छोले डालेंगे। ये छोलों को हमने रात में भिजा कर रख दिया था। छोले को आप 5 घंटे भी भिजा सकते हैं। अभी हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें थोड़ा नमक कम लग रहा था, इसलिए हमने थोड़ा नमक डाला है। आप भी आपके टेस्ट के हिसाब से नमक डालिए। अभी हम 1 गिलास गर्म पानी इसमें डालेंगे। अभी हम इसे थोड़ा हिला लेंगे। अभी हम इसका ढक्कन बंद करके 3-4 सीटी आने तक पकाएंगे। 1 सीटी होने के बाद हम गैस कम करके इसे 20-25 मिनट तक लो फ्लेम पर रख देंगे। देखिए 20-25 मिनट बाद हमारे छोले पक चुके हैं। इतने टेस्टी है। देखिए 2 घंटे बाद हमारा आटा अच्छी तरह से फूल चुका है। अभी हम इसके भटूरे बनाएंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा आटा तोड़ लेंगे, इसे गोल लोई बना लेंगे इसकी। देखिए हमें भटूरे को इस तरह बेल लेना है। ये देखिए हमें भटूरे को इस तरह बेलना है, ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा ही रखना है। ये देखिए हमने कढ़ाई
कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रखा है। तेल गरम हो चुका है, अभी हम इसमें भटूरे डाल देंगे। हमें इस तरह से तल लेना है। गैस का फ्लेम थोड़ा कम ही रखना है। देखिए माशाल्लाह हमारा भटूरा कितने अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे। माशाल्लाह देखो हमारे भटूरे कितने अच्छे से फूल चुके हैं। अंदर से जाली भी अच्छी पड़ चुकी है। माशाल्लाह ये देखिए हमारे भटूरे तलकर हो चुके हैं। देखिए हमारे छोलों की खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। अभी हम इसे प्लेट में रख देंगे। माशाल्लाह हमारी प्लेटिंग हो चुकी है। देखिए छोले भटूरे कितने अच्छे दिख रहे हैं। आप भी ये रेसिपी आपके घर में ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल केक शेक रेसिपी को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।